खबर आपको बता दें कि आजम खान से मिल सकते हैं बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने संकेत दिए हैं, मौका मिला तो जेल में आजम खान से मुलाकात करूंगा। ये बात उन्होंने बड़ी बात कही है। चलिए हमारे साथ खुद बीजेपी के सांसद बृजभूषण जी जुड़ गए हैं। बृजभूषण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आजम खान से कब मिलने जा रहे हैं आप? देखिए मेरी एक बातचीत के क्रम में मैंने कहा था कि शिवपाल नेता हैं लेकिन अखिलेश जी नेता नहीं है। और एक बनारस में मैंने बहुत पहले इंटरव्यू दिया था कि आजम खान के ऊपर जब विपत्ति आई, सही आई या गलत आई, कानून क्या कहता है मुझसे इससे लेना देना नहीं है। लेकिन अखिलेश के जगह पर अगर मुलायम सिंह रहे होते तो वो मुलाकात जरूर करते, चाहे उसके लिए डंडा खाना पड़ता, लाठी खाना पड़ता, गोली खाना पड़ता और आंदोलन खड़ा कर देते। ये विषय वहीं से निकला था। और आज शिवपाल यादव जब मिलने के लिए गए तो मीडिया के लोगों ने मुझसे पूछा कि इसको आप कैसे देखते हैं। हमने कहा मैं शिवपाल सिंह यादव का स्वागत करता हूँ, वो नेता है। और जहां तक रही अखिलेश की बात तो हमारे देश में एक कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। जब जाना चाहिए था समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव को तब तो वो गए नहीं। और जब शिवपाल यादव जा रहे हैं या और लोग जा रहे हैं या मेरा बयान आ गया तो उसके बाद उनके जाने से क्या होता है? अब कितने महीने बीत गए, कितने संकट में वो रहे और तब उनको याद आई नहीं। और मैं अभी भी कहता हूं कि इनके जगह पर, अखिलेश के जगह पर अगर मुलायम सिंह होते तो सरकार चाहे जितना रोकने की कोशिश करती, मुलायम सिंह जाते, आजम जी से मिलते और आंदोलन खड़ा करते। दूसरी बात रहा मेरे मिलने का सवाल, तो मैंने ये कहा कि शिवपाल जी का स्वागत है, अगर मुझको मौका मिलेगा तो मैं भी जाकर के मिलूंगा। कोई भी व्यक्ति अगर संकट में है तो उससे मिलना चाहिए। और कानूनी पहलू क्या है वो अलग बात है। आजम खान उत्तर प्रदेश के नहीं, एक तो सर आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं कि अगर मौका मिला तो सर मौका क्या आपका बिजी शेड्यूल है या अभी एक दो दिन बाद जाएंगे आप? कोई प्लान तो किया होगा ना, क्योंकि आपने कहा संकट में साथ देना चाहिए। नहीं देखिए ये मेरा मत, अभी किसी ने मुझसे ये सवाल किया था कि आपने इस विषय को इस समय क्यों उठाया। जब आजम खां के ऊपर कार्रवाई हुई, जेल में वो गए, तब से मैं व्यक्तिगत बातचीत में कह रहा था कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को जाकर के मिलना चाहिए। और उस समय से मैं कह रहा था, देखिए हमारे जाने का क्या मतलब निकाला जा सकता है, लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते अगर मुझको मिलना पड़ा या मिलने जाऊंगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं जा सकता हूं। नहीं मैं बिल्कुल आपकी बात कह रहा हूं कि आपत्ति आपको नहीं है, आप जा सकते हैं, लेकिन कब कोई प्लान किया है? नहीं अभी कोई ऐसा प्लान नहीं किया है, लेकिन मैं जा सकता हूं। लेकिन आपको लगता है कि आपकी पार्टी नाराज नहीं होगी फिर इससे अगर आप जाते हैं आजम खान से मिलने? नहीं बिल्कुल नहीं, पार्टी बिल्कुल नहीं नाराज होती है। हमारे ये देश में परंपरा रही है सुख दुख में हाथ बटाने का। सन 1996 में मेरे ऊपर टाडा का आरोप था, मैं जेल में बंद था। माननीय अटल जी उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक पत्र मुझको लिखा कि जाहे विद राखे राम वाहे विद रहिए, और साथ ही साथ लिखा कि बृजभूषण जी अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। और उन्होंने ये भी लिखा कि मौका मिला तो मैं भी आपसे मिलूंगा। और ये पत्र उन्होंने चंद्रशेखर जी के हाथ भेजा, भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी हमसे मिलने के लिए जेल में आए और अटल जी का ये पत्र लिए। देखिए राजनीति अपनी जगह पर है, इंसानियत अपनी जगह पर है। कानूनी पहलू एक है, मानवीय पहलू एक है, और कम से कम पार्टी के लोगों को तो साथ में खड़ा ही होना चाहिए था। और अखिलेश से बहुत बड़ी चूक हो गई, उसका खामियाजा वो भोगेंगे। बिल्कुल। बृजभूषण जी आप अपने बेबाक बोलों के लिए जाने जाते हैं, ये आपकी खासियत है, मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा कि आप जो भी बात है वो सीधा बोल देते हैं। लेकिन सर आपको क्या लग रहा है, शिवपाल यादव से मिल ली आजम खान, प्रमोद कृष्णम से मिल ली है आजम खान आज जो कांग्रेस के लीडर है, लेकिन समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन गया उससे नहीं मिले, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए
देखिए मैं कोई जोशी नहीं हूं, लेकिन मैं जानता था कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी पीड़ा होती है, कष्ट अपनों से होता है, गैरों से नहीं होता है। जब अपना कोई तकलीफ के समय साथ छोड़ता है तो बहुत कष्ट होता है। एक आम आदमी भी जाएगा तो मिलेंगे, मैं जानता हूं कि मैं भी अगर मिलना चाहूंगा तो वो आजम खान मुझसे मिलेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी वो उनका परिवार था, उसमें उनका सब कुछ लगा हुआ था, दांव पर लगा हुआ था, और वो परिवार उस समय साथ छोड़ दिया। और ये केवल आजम खान की बात नहीं है, हर आदमी का सवाल है, देश उत्तर प्रदेश का हर जागरूक आदमी या मुसलमान इस बात को सोच रहा है कि ये सुविधा भागी, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, ये सुविधा भोगी लोग हैं, ये नेता नहीं है। मुलायम सिंह नेता थे, शिवपाल नेता है, ये नेता नहीं है, ये मुख्यमंत्री हो सकते हैं लेकिन नेता नहीं हो सकते, नेता संवेदनशील होता है। लेकिन लेकिन ब्रजभूषण जी, आपको लग रहा है फिर इसका मतलब, जिस तरह आपने बड़े नेताओं को देखा, लगातार मुस्लिम नेता इस्तीफा दे रहे हैं समाजवादी पार्टी से, अभी मौलाना शहाबुद्दीन है बरेली से, उन्होंने भी बयान दिया कि देखिए मुस्लिमों को ठगा गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, और आजम जब आए तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आप मानते कि मुस्लिम वोट बस हासिल किया समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव ने और उनकी अनदेखी की, आपको भी लगता है सर क्या? नहीं देखिए, मुसलमान सबसे बड़ा अगर किसी का नुकसान हुआ तो मुसलमान का हुआ है। 2014 इनके साथ रहा हारा, 17 रहा हारा, 19 रहा हारा, 24 रहा हारा, नुकसान मुसलमान का हो रहा है, और ये मौज ले रहे हैं, नेता बने हुए हैं और दुख में शामिल भी नहीं होंगे, और ये किसी के दुख में शामिल नहीं होते हैं, इनकी आदत है, ये नेता नहीं है। मुसलमान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, मुसलमान भी इस देश का नागरिक है और यहीं पर रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं है, मुसलमान यहीं रहेगा, मैं भिन्न व्यक्ति के साथ कहता हूं, लेकिन मुसलमान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है जी। और ये ठगने का काम अखिलेश यादव ने बहुत अच्छी तरीके से किया है। बिल्कुल, तो ब्रजभूषण जी आपको लग रहा है कि शिवपाल और आजम या फिर ओपी राजभर, इस तरह की खबरें आ रही हैं, क्या कोई गठबंधन की सुगबुगाहट, क्योंकि आप तो नेता हैं सर, आप तो सांसद हैं, आप तो बखूबी जानते होंगे, तो क्या इस तरह की कोई खिचड़ी पक रही है, यानी अखिलेश यादव अब अकेले खड़े होने जा रहे हैं और आजम खान शिवपाल कुछ चलेगा सर आगे? दो हजार चौदह में मैंने एक बयान दिया था कि अखिलेश यादव मुलायम संतनत के अंतिम बादशाह हैं, और आज मुझे वही दिखाई पड़ रहा है, और कोई गठबंधन बनेगा या कोई नेता पैदा होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी का साथ एक ग्रुप छोड़ेगा जरूर, विकल्प क्या होगा मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये अब रहने वाले नहीं है। ब्रजभूषण जी एक और बात आई थी कल, समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन गया, रविदास मेहरोत्रा जो समाजवादी पार्टी के विधायक है, उन्होंने कहा कि देखिए हम अखिलेश यादव को बताकर गए और बाद में भी रिपोर्ट दी, लेकिन अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में कह दिया कि मुझे नहीं पता कौन डेलीगेशन गया मिलने और मुझे कोई बताकर नहीं गया। सर ये तो आपस में ही समाजवादी पार्टी के नेताओं में ही कौन सच्चा कौन झूठे वाली बात आ रही है। देखिए भैया जी, नेता जो स्वयं बनता है और जिसको नेता बनाया जाता है उसमें बड़ा फर्क है। जैसे अखिलेश और मुलायम सिंह जी के को आप देख लीजिए, मुलायम सिंह नेता बने, लाठी खाए, उनके ऊपर प्राणघातक हमला हुआ, 2500-300 बार जेल गए, हाथ टूटे पैर टूटे, लेकिन उन्होंने संघर्ष बंद नहीं किया। ये बतावे कि एक संघर्ष इन्होंने किया हो बयान देने के अलावा, एक संघर्ष इन्होंने किया हो, ये संघर्ष नहीं कर सकते। ब्रजभूषण जी जिस तरह आप देख रहे हैं कि कहते हैं कि सियासत और राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, आप भी मानते होंगे सर सियासत में उथल पुथल होती रहती है, कब कोई इधर कभी कोई इधर, लेकिन आपको लगता है कि अगर शिवपाल यादव आते हैं तो सर आप लोग वेलकम करेंगे, अगर आजम खान का भी कोई मन बदलता है तो आप वेलकम करेंगे, और क्या बीजेपी मुस्लिम वोटरों की तरफ भी देख रही है क्या 2024 को लेकर? देखिए ये हमारी हैसियत ये नहीं है कि मैं शिवपाल जी के विषय में कोई निर्णय कर सकूं या आजम साहब के बारे में निर्णय कर सकूं, और मेरा ये बयान बिल्कुल राजनैतिक नहीं है, गैर राजनैतिक है, व्यक्तिगत है, ये मेरे मन की पीड़ा है कि एक साथी संकट के समय काम नहीं आता, एक परिवार संकट के समय काम नहीं आता तो बहुत दुख होता है। सर आपको क्या लग रहा है
अब दूरियां बढ़ेंगी आजम खान और अखिलेश यादव के बीच? अब अखिलेश जी जाकर के हाथ जोड़ करके माफी मांग ले, हो सकता है आजम साहब माफ कर दें, बिना शर्त जाकर के माफी मांग ले, पूरे समाज से मांगे हैं, आजम साहब से मांगे हैं गलती की क्षमा याचना करें, हो सकता है वो बड़े हैं चाचा कहे ही जाते थे, हो सकता है वो माफ कर दें, उनका निजी मामला है, लेकिन गलती अखिलेश ने किया है। लेकिन ब्रजभूषण जी, क्योंकि तमाम नेता हैं जो समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे, उन्होंने इस्तीफा दिया जो आजम के साथ हैं, और वो सब लोग कह रहे हैं कि आजम खान को इस्तीफा दे देना चाहिए। आप भी व्यक्तिगत बयान दे रहे हैं, आप भी क्या आजम खान को सलाह देंगे? क्योंकि जब आप आजम खान से मिलने के लिए तैयार हैं तो आप भी उनको सलाह देंगे कि समाजवादी पार्टी को बाय बाय बोल दीजिए भाई? नहीं नहीं, ये मेरा राजनीतिक बयान नहीं है, ये राजनीतिक बयान नहीं है, मानवीय दृष्टिकोण से मेरा दिया गया बयान है। अखिलेश यादव ने गलती कर दी, उनके हाथ से तीर निकल गया और वो तीर अब रुकने वाला नहीं है। अब आजम साहब माफ कर दें, माफ कर दें, हमको कोई परेशानी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को कोई परेशानी नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन अगर गलती होगी तो उंगली उठेगी। नहीं, मैं व्यक्तिगत बयान की पूछ रहा हूं, आप सलाह देंगे क्या आजम खान को कि वो अब समाजवादी पार्टी उनकी नहीं रही, उनकी अनदेखी की दुख की घड़ी में खड़े नहीं हुए? तो आप व्यक्तिगत तौर पर अगर मान लीजिए आपको मिलना हुआ, आपने कहा कि वक्त मिला तो मैं मिलूंगा, तो आप सलाह देकर आएंगे? क्योंकि प्रमोद कृष्णम से उन्होंने कहा है कि जब मैं बाहर निकलूंगा तो भारत की राजनीति में परिवर्तन देखने को मिलेगा। देखिए, मैं तो सहानुभूति रखता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं। उनके साथ गलत हुआ है अखिलेश यादव जी के द्वारा, हाँ। मुझे सहानुभूति है, इसके अलावा मेरी कोई राय नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ खड़ी है, सिर्फ विपक्ष बीजेपी गुमराह कर रहा है, बाकी दल गुमराह कर रहे हैं, बाकी नेता गुमराह कर रहे हैं। ये किसी ने गुमराह करने का काम नहीं किया है, किसी को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है, गुमराह अखिलेश यादव स्वयं है, वो मुफ्त में जो है बिना कुछ किए धीए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए और आज वो खुश है कि नेता विरोधी दल बन गए, वो उनको लगता है कि मैं बहुत कुछ पा चुका हूं, किस कोई दूसरे को गुमराह करने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं राजनीति में गुमराह है। सर, एक आखिरी छोटा सा सवाल आपसे, क्योंकि फिर आप चले जाइएगा, बिल्कुल एक आखिरी सवाल छोटा सा आपसे, चाचा भतीजे की स्थिति को क्या देख रहे हैं, कैसे देखते हैं कि वाकई में आप मानते हैं कि शिवपाल यादव की अनदेखी हो रही है? देखिए, उनके चाचा उनका क्या ले लेते, ज्यादा से ज्यादा अगर उनकी सरकार बनती तो ये कैबिनेट मंत्री के ये कैबिनेट ले लेते, और पूरी सरकार तो उनके हाथ में थी, पिछली बार थी, एक विभाग उनके हाथ में था, तो जो आदमी चाचा को नहीं संभाल सकता, जो आदमी अपने पिता को नहीं संभाल सकता, वो उत्तर प्रदेश को क्या संभालेगा? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सांसद ब्रजभूषण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।